पहला सवाल आपसे है, पिछले एक साल से अगर आप देखें डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आई है, इस बार सोना सस्ता मिल रहा है लोगों को, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप, क्या डिमांड बढ़ी है? हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है सीजन के लिए. दशहरा वाज अ हिंट फॉर अस एंड इससे हमें डिमांड की अंदाजा लग जाती थी और आगे जाते हम धनतेरस के लिए काफी अपेक्षित है. इसी बारे में डिमांड काफी बढ़ चुकी है पहले से एंड जिसने कस्टमर्स ने जिसने परचेज पोस्टपोन किया था वो अब कंफर्म करते जा रहे हैं. ओके राजीव जी, लेकिन अगर आप देखें पिछले दो साल से लगातार सोने की चमक फीकी पड़ रही है, क्योंकि आप देखिए प्रीमियम जो है वो बहुत सारे निवेशकों को समझ नहीं आता और उससे कीमतों में ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सवाल उठे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये एक मेन वजह है डिमांड में कमी आने की और अब लोग सिर्फ सोना तभी खरीदते हैं जब फेस्टिवल आता है कोई, तब उनको लगता है बस शुभ निवेश के लिए कुछ खरीदारी कर ले? ये बात अब दिवाली के लिए सच नहीं होगी. प्रीमियम्स काफी हाई थे बिकॉज इंपोर्ट काफी रिस्ट्रिक्टेड हो चुका था एंड बिकॉज ऑफ रेगुलेटेड इंपोर्ट्स प्रीमियम्स इन द मार्केट वाज वेरी हाई. इंटरनेशनली जो प्रीमियम $1 के अंदर चलती है, इंडिया में $100 प्रीमियम पर आउंस चल रही थी. एज ऑफ नाउ वो फैक्ट नहीं है. एज ऑफ नाउ हमारी प्राइसिंग काफी इंटरनेशनल से मार्केट से काफी सिमिलर है एक्सेप्ट फॉर द ड्यूटी कंपोनेंट, तो प्राइसेस एट पार हो गई है. ये प्रीमियम की सिचुएशन अभी बिल्कुल नहीं है. अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड इज ओपनड अप कंपैरेटिवली, उस हिसाब से काफी सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन को कम्पीट कर दिया जा चुका है. ओके चलिए, लेकिन देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट क्या अग्री करते हैं.